बीते 8 नवंबर को मोरवा थाना क्षेत्र के चटका के समीप जंगलों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस 24 घंटे के भीतर इस संथी हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया है। इस हत्या का खुलासा करते हुए मोरवा निरीक्षक यूपी सिंह ने बताया कि 4 दिन पूर्व दीपक निषाद की हत्या की गई थी। 4 दिनों से सड़ रही लाश को काफी दुर्गंध आ रही थी, जिससे पुलिस को जंगल में दीपक का शव मिला। इससे एक दिन पूर्व ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस संदर्भ में सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देशन और एसटीओपी राजीव पाठक के मार्गदर्शन में टीम गठित कर मृतक के दोस्तों और परिजनों से जानकारी ली जा रही है। इस दौरान ये सूचना लगी कि अंतिम बार मृतक अनपरा थाना क्षेत्र के परासी निवासी अपने मित्र पंकज पांडे के साथ विगत 4 नवंबर को देखा गया था। पुलिस ने इस मामले में एक टीम अनपरा भेजकर परासी से पंकज को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और पुलिस के पूछताछ के दौरान पंकज ने हत्या का जुर्म कबूल करते हुए पूरा घटनाक्रम बताया। 4 तारीख को दीपक निषाद नामक युवक के गुम होने की सूचना थाना मोरवा में दर्ज की गई थी। जिस संबंध में तत्काल पुलिस बल को रवाना किया गया था और संबंधित स्थानों में पूछताछ की जा रही थी। परिजनों ने जिस पंकज पांडे नामक युवक पर शक जाहिर किया था, उसे नेक्स्ट डे पकड़कर और उसके द्वारा बताई गई स्टोरी को तस्दीक करने के लिए सभी लोगों के पास भेजा जा रहा था। इसी दौरान पुलिस जब जांच के दौरान एक जंगल के समीप से गुजर रही थी, तेज दुर्गंध उसके पास आई, जिसके कारण पुलिस ने वहां पे जाकर तस्दीक